अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडा और ब्रेड से एक क्विक रेसिपी ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक ही स्लाइस ब्रेड यूज़ किया है, उसे दो टुकड़े में कर लिया है। आप चाहो तो दो स्लाइस ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें दो अंडे का इस्तेमाल किया है, दो अंडा कट करके डाल दिया है। अब आप उसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन ऐड किया है और थोड़ा सा कोथमीर ऐड किया है। आप चाहो तो ऑनियन भी थोड़ा डाल सकते हो और ग्रीन चिल्ली भी डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है और अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद आपको लेना होगा एक पैन और उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर सकते हैं। बटर की जगह पे आप नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं। जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसे इसमें अंडे को डाल देंगे। लो फ्लेम पे ही रखेंगे और उसके बाद जो हमने ब्रेड कट किया था उसी पे डाल रख देंगे। इस तरीके से एक साइड से रखेंगे और फिर अगेन इसे फौरन ही तुरंत ही आपको उसे टर्न कर लेना होगा ताकि अंडे की जो कोटिंग है थोड़ा एक साइड से लग जाए। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ रख दिया है। अब एक साइड से अंडे को आपको अच्छे से पका लेना होगा धीमी आंच पे। उसके बाद हमने इसे टर्न कर लिया है और फिर सारे जो अंडे साइड से है उसे हम ऊपर रख लेंगे ब्रेड के ऊपर। चारों बाजू से हम उसे ब्रेड के ऊपर से रख लेंगे और एक साइड से हम रखेंगे चीज़। यहाँ मैंने अमूल चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं। और एक साइड हमने टमाटो केचप डाला है और दोनों साइड से हम 2 to 3 मिनट्स पका लेंगे दोनों साइड से ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए और जो चीज़ है अंदर से मेल्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं मेरा ये रेडी हो चुका है ब्रेकफास्ट और ये बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा है। मैंने इसे सर्विंग बोल में ले लिया है। अब मैं आपको कट करके बताती हूँ किस तरीके से लगता है। तो आप देख रहे हैं आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा ये कितना सॉफ्ट बना है और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है क्योंकि हम इसे इसमें चीज़ डालते हैं। और बहुत ही क्विक है इसे रेसिपी, बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आता है। आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।